हे दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो या करना चाहते हो तो आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जीएसटी परिषद के अनुसार 40 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए टर्नओवर की सीमा 20 लाख रखी गई है। पहले यह सीमा क्रमशः 20 लाख और 10 लाख हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसानी से कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है gst.gov.in। गूगल में जाके आप जैसे ही सर्च करोगे gst.gov.in, यहाँ पे ढेर सारे पेजेस खुल जाएंगे गूगल में, और आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट खोल देना है gst.gov.in की। ऑफिशियल साइट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है, क्योंकि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जानना है तो आप यहाँ पे चले जाओगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे, लेकिन फिलहाल हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पे यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया। अब इस फॉर्म को हमें भर लेना है। तो यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है हम जान लेते हैं। अब आई एम ए टैक्स पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आई एम ए टैक्स पेयर, यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन पे स्टेट पूछ रहा है, मतलब आपका बिजनेस किस जगह पे है वो वाला। परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है, परमानेंट एड्रेस का स्टेट नहीं डालना है। यहाँ पे जहाँ आपका बिजनेस है वो वाला एड्रेस डालना है। तो आपका बिजनेस जैसे यूपी में है और आप रहने वाले मुंबई के हो तो आपको यूपी ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूपी डाल के दिखा देते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश डाल दिए। अब आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, तो अपने ज़िले का नाम डाल दीजिए जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का लीगल नेम क्या है। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड है आपकी कोई, तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम डालोगे, अपने प्राइवेट लिमिटेड का नाम डालोगे। और वहीं अगर आप प्रोप्राइटरशिप से हो, मतलब आपकी कोई शॉप वगैरह है, तो यहाँ पे अपना नाम डालोगे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ये कैप्चा जो दिख रहा है ब्लैक कलर में, यही भर देना है जो लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो यहाँ साउंड के नीचे रिफ्रेश बटन दिख रहा है, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप कैप्चा। तो ये भरने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा। मोबाइल ओटीपी को मोबाइल ओटीपी में डालेंगे और ईमेल वाले ओटीपी को ईमेल ओटीपी में डाल के प्रोसीड कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने टीआरएन नंबर आ जाएगा, टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अब इस टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। ये आपका जीएसटी का फॉर्म फिलअप कर लिया, यहाँ पे लिख उठा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब आपने पार्ट ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये टीआरएन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। तो टीआरएन नंबर कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करेंगे, उसके बाद आपको टीआरएन नंबर जैसे ही कॉपी करेंगे तो उसके बाद प्रोसीड फिर से कर देना है। टीआरएन नंबर कॉपी करने के बाद प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर आ गया टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर, यहाँ पे डालना है, मतलब टीआरएन नंबर जो कॉपी किया था अभी वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि कैप्चा का, तब ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जो कैप्चा आएगा यहाँ पे भर देते हैं 513551। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे फिर से क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे फिर से ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी आ गया, अब हम ये ओटीपी डाल देते हैं। अब ओटीपी डालने के बाद फिर से प्रोसीड आपको कर देना है। ये प्रोसीड दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो हम फिर से नए पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आपका क्रिएशन डेट दे दिया है, जब आपने फॉर्म भरा था फॉर्म नंबर दे दिया है, कौन सा फॉर्म नंबर आपका, और एक्सपायरी डेट दिया है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब इस एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भर देना है। कुछ दिन का एक्सपायरी डेट मिलता है, 10 दिन का 5 दिन का, तो फिलहाल मुझे 14 दिन का एक्सपायरी डेट मिला है कि इससे पहले पहले 14 दिनों में आप फॉर्म भर लो। तो मैं फॉर्म भर के बता देता हूँ कि आपको फॉर्म किस तरह भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ एक्शन वाले लिंक पे पेंसिल का निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मांगे गए हैं, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन भर सकते हो आसानी से, जैसे बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर या पार्टनर्स, एथोराइज सिग्नेचर, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें आसानी से आप भर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रेड नेम पहले डालना, ट्रेड नेम में आपको अपनी शॉप का नाम डाल देना है। इसके बाद अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के प्रकार, किस तरह का बिजनेस है, पार्टनर है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो फिलहाल आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, उसके नीचे जैसे आएंगे डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका सेक्टर पूछ रहा है, सेक्टर के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ कमिश्नरेट पूछ रहा है, कमिश्नरेट पे आप अपना कमिश्नरेट चेक करेंगे और डाल देंगे। डिवीज़न पूछ रहा है, उसके बाद डिवीज़न अपना डाल देंगे, और यहाँ डिवीज़न डालने के बाद आपका रेंज पूछ रहा है, तो रेंज कौन सा है, तो रेंज पे क्लिक करने के बाद और नीचे आएंगे तो रीज़न टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीज़न टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन का, क्या रीज़न है, तो रीज़न भाई बता दो अपना कि अगर डीमर्जर है या फिर डेथ ऑफ प्रोपराइटर, जो पहले प्रोपराइटर था उसकी डेथ हो गई है, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डेथ वाले ऑप्शन पे। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहे हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिलहाल हमें तो इंटर सप्लाई करना है, इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। डेट अब डाल देंगे यहाँ पे, तो डेट वगैरह यहाँ कैलेंडर से चूज कर देंगे, कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है तो कैलेंडर के ऑप्शन से चूज कर दिया डेट। अब डेट चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेट ऑन विच लाइबिलिटी, आपके अंदर लाइबिलिटी कब बनी थी ये मतलब फॉर्म फिलअप करने की, तो लाइबिलिटी के लिए अब आपको फिर से कैलेंडर फॉर्म में फिल कर लेना है, तो लाइबिलिटी 2-4 दिन पहले मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, अब नीचे आएंगे, अब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, आपका मतलब टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो टेम्प्रोरी, यहाँ पे जीएसटी चूज करेंगे, जिस टाइप का रजिस्ट्रेशन वो चूज कर लो। फिलहाल हम टेम्प्रोरी आईडी चूज करेंगे क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो टेम्प्रोरी आईडी चूज करेंगे, और अभी तक जो टीआरएन नंबर हम पा चुके हैं उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे पेस्ट कर देंगे, टीआरएन नंबर अपना, जो टीआरएन नंबर पाए थे अभी मैंने दिखाया था टीआरएन नंबर, आपके ईमेल पे आपके मोबाइल नंबर पे भी गया होगा, उसे यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है आपके, तो यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज कर लेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऐड लिखा है, मतलब आपके पास और कोई रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, अब नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका ये पूरा ऊपर आओगे, देखोगे बिजनेस डिटेल पूरा फिलअप हो गया है, मतलब सही का टिक हो गया, मतलब एकदम सही है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटर्स या पार्टनर्स, तो प्रमोटर या पार्टनर्स पे फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, नेम में आएंगे, नेम पहले से डाला है, फादर्स नेम डालेंगे, फादर्स का मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगा है, मोबाइल नंबर मांगा है, ईमेल एड्रेस डाला है, तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर नहीं है तो मत डालिए, और उसके बाद जेंडर पूछा है, मेल फीमेल या अदर्स, तो आपका जो जेंडर हो यहाँ पे जेंडर डाल देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन डालना है आपको, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में स्टेटस डाल देंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पहले से डाला हुआ है, पासपोर्ट नंबर है या फिर आधार नंबर है तो आधार नंबर अगर डालना चाहो तो डालो, क्योंकि पैन कार्ड नंबर पहले से पड़ा है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आ जाएंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे वहाँ नहीं डालना था रेजिडेंशियल एड्रेस जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, पर यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट का एड्रेस पूरा डाल दीजिए, जो भी परमानेंट एड्रेस हो आप पूरा बिल्डिंग नंबर डालेंगे, फ्लोर नंबर डालेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में नेम ऑफ द बिल्डिंग का जो नाम हो वो डाल दीजिए, रोड, स्ट्रीट, सिटी, उसके बाद कंट्री
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर जीआईपी कोड, जो भी पिन कोड होता है आपके स्टेट का, मतलब आपके गांव का या शहर का पिन कोड होगा, वो पिन कोड डाल देना आप। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है जिसकी मिनिमम साइज 100 KB होनी चाहिए और JPG फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ चूज करके आप अलाउ करके डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप फोटो तुरंत लेना चाहते हैं तो टेक फोटो करके आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा आसानी से। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू फिर से कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस में, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, रोड डाल देंगे, सिटी डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डालने के बाद उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ मेन भरने वाली चीज़ है, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मतलब आपका किस तरह का बिजनेस में है, मतलब रेंटल पे रह रहे हो या फिर ऑन खुद का है या फिर कोई लीज ले हो, तो आप फिलहाल खुद का है तो ऑन कर देंगे तो खुद का के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर खुद का है तो यहाँ पे अपना खुद का लैंड का डॉक्यूमेंट दीजिए, यहाँ पे चूज फाइल करके लैंड का डॉक्यूमेंट दीजिए, अगर खुद का नहीं है लीज पे दिए हो तो उसका एग्रीमेंट दीजिएगा, जो भी चीज़ें लिए हो उससे आप आसानी से भर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बींग कैरिड आउट एट एबव मेंशन प्रीमिसेस, तो यहाँ पे आपका किस टाइप का बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी बिजनेस हो, या फिर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर ऑफिस टाइप है, रिटेल बिजनेस है, या फिर होलसेल बिजनेस है, जो भी जिस तरह का बिजनेस है उस तरह का बिजनेस के ऑप्शन पे चूज कर लोगे। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ गया आपका कोई और बिजनेस है, अगर कोई और बिजनेस है तो आपको बैक करके वो बिजनेस जाके ऐड करना है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर दोगे। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गुड्स प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोवाइड करते हैं 5 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दिए। जैसे आप कोई भी शॉप वगैरह डालते हैं या फिर जैसे कि आपकी सीमेंट की शॉप है तो सीमेंट की शॉप डाल के यहाँ पे सीमेंट सर्च करेंगे, ढेर सारे शॉप आ जाएंगे उससे रिलेटेड, ढेर सारी सर्विसेज गुड्स आ जाएंगे उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू फिर से कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर, जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेचर है यहाँ पे ऐड कर लोगे। उसके बाद अगर आपकी कोई कंपनी है तो सबमिट बिड DSC करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, और वहीं अगर आपका कोई शॉप वगैरह है तो सबमिट बिड EVC क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करते ही एक OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट बिड EVC पे क्लिक करते ही आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, उससे क्लिक कर देना है, OTP डाल देना। OTP डालने के बाद यहाँ पे अब वैलिडेट OTP पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो वैलिडेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्म सक्सेस हो गया, मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको एक ARN नंबर मिल जाएगा जो आपके ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा ARN नंबर, वो ARN नंबर आपको कॉपी कर लेना है ईमेल ID से। तो इस तरह से आपको एक ईमेल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ARN नंबर मिल गया है। अब ARN नंबर ये वाला कॉपी कर लेना है आपको। ARN नंबर कॉपी करने के बाद आपको कैसे स्टेटस चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए आपको होम पेज पे फिर से जाना है, फिर से सर्विसेज में जाना पड़ेगा। आपको सर्विसेज पे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल जाएगा। आपके सामने फिर से वही वाला पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ट्रैक एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, यहाँ पे ARN नंबर जो कॉपी किया था वो डाल देना और सर्च कर लेना, तो आपके फॉर्म का स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुका है। जैसे वेरीफाइड हो जाएगा तो आपके मोबाइल और ईमेल पे SRN नंबर भेज दिया जाएगा। वो SRN नंबर आपको SRN वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और SRN नंबर यहां पे डाल देना है। उसके बाद सर्च करके GST फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आप आसानी से GST नंबर ले सकते हो दोस्तों अपने मोबाइल फोन से ही। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये फॉर्म इस जगह पे भरने में प्रॉब्लम आ रही है, हम तुरंत आपका रिप्लाई दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।